लाल किताब के जो उपाय हैं क्या वो आ, कहते हैं लोगों की उसको करना बहुत मुश्किल होता है ऐसा है कि लाल किताब के उपाय बहुत मुश्किल होते हैं उसको अप्लाई अच्छा, करना नसीब किन के पास है मैं ना जेडब्ल्यू मेरिट बॉम्बे में रुकता हूं जुहू वाले में मैं रोज एक हेलीकॉप्टर वहां से उठते देखता हूँ क्रैक टाइम पे वापिस आते देखता हूं क्रैक टाइम पे मैंने पूछा कौन है कहते हैं ये बॉम्बे के बहुत बड़े बिजनेस हैं अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मैं उनका टाइम नहीं कभी हिलते देखा मैं अगर सुबह साढ़े चार पांच बजे उठता हूं तो मैं आज भी उठता हूं। जितने कामयाब पर्सन है बेटा उनकी एक रूटीन होती है वो अपनी रूटीन नहीं टूटने देते उनकी ये खासियत है और जितने भी बदनसीब लोग हैं बेटा उनकी कोई रूटीन नहीं वो कभी भी कुछ भी करते हैं कभी भी खाते हैं कभी भी काम करते हैं और या कभी भी सब कुछ छोड़ देते हैं नसीब वाला जो भी इंसान होगा उसके लिए कोई उपाय टफ नहीं है क्योंकि रूटीन है रूटीन में करना है हमारा यही है ना कि ज्यादा बात है तरतालीस दिन करना पड़ जाएगा वो तरतालीस दिन की रूटीन नहीं टूटने देता और जिसकी किस्मत में नहीं होता वो इतने आलसी होते हैं बेटा अच्छा अभी करता हूँ अभी दोपहर को कर लूंगा दोपहर को कहता चल शाम को कर लूँगा और शाम को कहता अभी नहीं यार मेरा मन नहीं है मैं तो कल देखूँगा टफ कहाँ है खाना खाना टफ है भगवान कसम पिसी पिसाई रोटी अगर अंदर जाती हो ना तो लोग वो कर ले इतनी मेहनत भी ना करें समझे कोई उपाय टफ नहीं है सब इस दुनिया में है जो करने होते हैं एक नियम होता है नियम से अगर करना हो तो सब कुछ आसान है जो आज भी लाखों कर रहे हैं और जिन्होंने नहीं किया वो जब अपने हालात को भोग के आ जाते हैं जो मैंने बताए होते हैं उसके बाद कहते हैं जी गलती हो गई लेकिन अब गलती नहीं करेंगे उपाय दोबारा दे दो तो. यानी <laughs> कि जो लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा टफ है टफ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको बस अपने जो है रूटीन में उसको अगर बेटा जी डी इतना बिजी इंसान जिसके पास अपने लिए समय नहीं अगर वो उपाय के लिए समय निकाल सकता तो मैं नहीं मानता कि ये टफ है यानी कि ये भी जो धारणा है लोगों के दिमाग में कि उपाय जो है लाल किताब के वो बहुत मुश्किल है करना तो ऐसा बिल्कुल नहीं है एक और चीज़ उपाय से ही मुझे याद आई कि लोग कहते हैं कि अगर जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है ये सारे सवाल उनके हैं जो हमने जब आप आने वाले थे हमारे स्टूडियो तो हमने बहुत सारे लोगों से बात की और उनकी बातों के बेसिस पर हमने सवाल ढूंढे तो आ, कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जैसे लाल किताब के अगर हमने उपाय किए और वो हम पे असर ना करें तो उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है एक कहावत तुमने सुनी होगी नीम हकीम खतरा जान बेटा अगर ये हो गया तो कोई क्या करे जब आपने कुछ भी करना हो घर पे ईट भी अगर लगानी है ना तो आदमी देखता है ये पिल्ला है चटका है अव्वल है कौन सी ईट इत है इतना ख्याल रखते हो फिर कौन से भट्टे की बेस्ट है ये रेत वाले भट्टे की है ये चिकनी मिट्टी की है फलानी की है वो तक डिस्कस करता है जब एक इंसान ने खाने पीने का सामान भी लेना है तो उसको यह भी पता है कि कहां की दाल और कहां की मिठाई बेस्ट है, वो तक जाता है लेकिन जब अपने नसीब के बारे में कुछ जानना हो ना तो जो गांव से किसी भी कमी की वजह से भाग के आके सिर्फ पंचांग रख के बैठ गया उससे अपनी जिंदगी का खुलासा पाता है तो चलेगा क्या जिस बच्चे को अभी साल पहले देखा कि वो तरह तरह के बिजनेस करने की कोशिश कर रहा था साल के अंदर वो गुरु जी बन के बैठ गया आप उससे प्रडिक्शन लोगे तो हाल क्या होगा है ना तो बेटा लाल किताब के उपाय फायदा करते हैं अगर किसी गुरु ने दिया है अगर एक अच्छे ज्योतिषी ने जानकारने दिए है लाल किताब के उपाय हंड्रेड परसेंट नुकसान करते हैं अगर किसी नौ सिखिए ने दिए तो समझे एक बार सम्मेलन में बैठे हुए थे तो ऐसे ही बात चल रही थी तो किसी खास बात को लेकर के कि किसी ने बुराई कर दी मैं बेटा एक ही बात बोलूँगा और याद रखना बस मैं मेरे घर मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त मैं स्वयं मैं उपाय करता हूँ और सब मेरे से लेते हैं मैं अपना देख के स्वयं करता हूँ मैं कहा इतने एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं मैं कोई एक बता दे और रिटीन में मैं अपने बच्चे के मुंह से सुनवा दे कि वो उपाय करता है मैं इनको अपने पे यकीन नहीं है ये अपने बच्चों को उपाय कहाँ से करवाएंगे इन्हें पता कुछ गलत हो जाएगा मैं दुनिया में रोज उपाय बांट दिया ये है प्रॉगे ना जल चढ़ाना उपाय नहीं होता सूर्य को जल देना उपाय नहीं होता प्रभु की पूजा पाठ करना उपाय नहीं होता ये हमारे अध्यात्म को हमारी साइंस को समझाने के लिए बनाए और ये साइंस बिल्कुल अलग है ये साइंस अलग हो गई सिर्फ रोजमर्रा की के, के रहेगा।